नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बच्चियों को बाइबल की शिक्षा देने व यौन शोषण करने के बालिका गृह पर लगे आरोप। खबर मध्य प्रदेश के दमोह। शिक्षा के नाम पर बच्चे बच्चियों को बाइबल पढ़ाए जाने और नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण करने के बालिका गृह आधारशिला संस्थान के संचालक पर लगे गंभीर आरोप। दमोह से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर मारूताल के समीप स्थित बालिका गृह आधारशिला संस्थान अजय लाल द्वारा संचालित है। बालिका गृह आधारशिला संस्थान संचालन में कई राज छुपे हुए हैं। अभी तो एक ही राज सामने आया है कि यहां पर अनाथ बच्चे बच्चियों को लाकर रखा जाता है। इनकी परवरिश, शिक्षा, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की नौटंकी के नाम पर यह फंडिंग कराते हैं। अनाथ बच्चे बच्चियों का जीवन इस बाल गृह में कैसे गुजर रहा है, इस घटना का खुलासा हो जाने पर जनता सरकार नेता समझ सकते हैं। बच्ची दत्तक पुत्र के रूप में अगर मद्रास नहीं जाती तो इसका खुलासा कभी नहीं हो पाता कि बच्चियों के साथ यहां पर क्या चल रहा है। ऊपर से दिखने वाला एक खूबसूरत भवन की चमक दमक के अंदर अनाथ नाबालिग बच्चे बच्चियां किस तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग से आए निरीक्षणकर्ता ओंकार सिंह ने इस आधारशिला संस्थान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह एक बड़े माफिया है, इन पर कार्रवाई करना इतना आसान नहीं है। आधारशिला संस्थान के परिसर में बनी बिल्डिंगों के निर्माण पर भी उन्होंने तंज कसा था। इस संस्थान के चारों ओर बने अन्य संस्थान को राज छुपाने वाली नगरी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहां पर धन फंडिंग कहां से होता है, कितना होता है, कौन करता है और क्यों करता है, इसका पता आज तक ना तो पत्रकारों को पता चला, ना नगर वासियों को और ना ही वहां पर पदस्थ कर्मचारियों को, जिससे कहा जाए कि यह भी एक राज बना हुआ है। जन चर्चा है कि इस संस्थान के मालिक के पास बेशकीमती सैकड़ों एकड़ जमीन, खूबसूरत बंगले, गाड़ियां, सोना चांदी, अटूट संपत्ति के मालिक होना भी एक राज है। इन सब राजों का खुलासा कब होगा, जनता इंतजार में है। नगर में संचालित आधारशिला संस्थान, जिसका संचालक अजय लाल है, पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन ने आरोप लगाते हुए रैली निकाली और कलेक्टरेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। कहा कि बाल संरक्षण आयोग की टीम ने जांच कर पाया कि वहां पर अनाथ नाबालिग गरीब हिंदू बच्चों बच्चियों को प्रलोभन देकर शिक्षा के नाम पर बाइबल पढ़ाई जाती एवं अनैतिक कार्य किए जाते हैं। एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला भी सामने आया। आरोपी डी डेनियल जेल में है। बाल संरक्षण आयोग की टीम ने बताया यहां पर बालिका गृह संचालित है जिसकी अनुमति नहीं है। इस प्रकार से उस संस्थान में ईसाई धर्म की शिक्षा देना, गैरकानूनी रूप से बालिका गृह का चलाना, यौन शोषण के मामलों का सामने आना दर्शाता है कि वहां पर शिक्षा के नाम पर अनैतिक कार्य हो रहे हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन ऐसे संस्थानों पर तुरंत कार्रवाई की मांग करता है एवं संचालक अजय लाल को अपराधी मानते हुए कार्रवाई की मांग करता है। कार्रवाई नहीं हुई तो भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी बहुत बड़े रूप में आंदोलन करेगा। आइए जानते हैं खिलान सिंह लोधी और श्रीमती सविता चौरसिया ने क्या कहा। संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। हम लोग पहले से ही बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो अगर कलेक्टर महोदय से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर कड़ी कार्रवाई करें, और अगर नहीं करेंगे तो हम लोग बड़े स्तर पर धरना। क्या नाम है आपका? भारतीय जनता पार्टी की ब्लॉक। जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है। दमोह में अजय लाल जी का आधारशिला संस्थान संचालक है, जिसमें हिंदू धर्म के बच्चे और बच्चियाँ भी पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और शिक्षा के नाम पर बाइबल की शिक्षा दी है। भाई बताओ, उनके पास ही जो ग्रंथ है, संरक्षण आयोग की टीम ने इसकी जांच की है और वहां पर कुछ दिन पहले एक छोटी सी बच्ची पर मान प्रताड़ना का मामला भी सामने आया था, जो जिसका जो अपराधी है वो गिरफ्तार हुआ है। तो इस तरह के कृत्य वहां पर हो रहे हैं संस्थान में, तो ऐसे संस्थान को बंद होना चाहिए। उसके संचालक के ऊपर, अजय लाल जी के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उस संस्थान को पूर्णतः बंद होना चाहिए और इस तरह एवं प्रताड़ना अगर होती है वहाँ पर, तो इन पर बुलडोजर चलना चाहिए, जैसे जैसे आम लोगों के ऊपर। आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जांच करवा के इस पर कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? सुजान सिंह ठाकुर, जिला अध्यक्ष भगवती मानव कल्याण संगठन दमोह। अगर ऐसा नहीं पाया होगा तो फिर क्या करेंगे आप? हम लोग बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करके दोषियों पर कार्रवाई करवाएंगे।